Hello, good morning everyone. My name is Deepak Kumbhakar. I am the director of Excellent English Class. तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले इंग्लिश स्पीकिंग के ऊपर, जो इंग्लिश स्पीकिंग को कैसे इम्प्रूव करें। देखिए दोस्तों, इंग्लिश स्पीकिंग बहुत आसान और बहुत आसानी से हम लोग सीख सकते हैं, क्योंकि आज हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं। हमारे पास स्मार्टफोन है, यूट्यूब है, गूगल है, गूगल प्ले स्टोर है, जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे ऐप्स हैं। उन्हें हम लोग डाउनलोड करेंगे अच्छे अच्छे ऐप्स को, और अगर डेली 2 घंटा देंगे तो हमारा इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव हो जाएगा। अब सवाल ये कि उसको इम्प्रूव कैसे करें। बोलते तो है बट कभी कभी रुक जाते, तो ये फ्लो अचानक से नहीं आएगा, इसके लिए टाइम लगेगा। कोई भी चीज़ देखिए मैटर करता है प्रैक्टिस, कोई भी चीज़ हो, जब तक हम लोग उसमें प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम लोग उस चीज़ में मास्टर नहीं हो पाए। मैं पहली बार जब वीडियो बनाया था मैं बहुत हिचक, पता नहीं मैं कहाँ देख रहा था, क्या करता, कुछ भी नहीं पता, बट मैं बनाते गया तब जाके ये कॉन्फिडेंस हुआ। तो ये नहीं, ये कैसे आया, प्रैक्टिस से। अगर मैं आज इस लेवल पे बोल पा रहा हूँ तो कैसे, प्रैक्टिस से। यानी आपको भी प्रैक्टिस करना होगा, चाहे गलत हो चाहे सही हो, आपको इंग्लिश में बातें करना है, इंग्लिश बोलना है। ये नहीं सोचना कि सामने वाला क्या सोच रहा, वो मजाक उड़ाएगा मेरा, ये करेगा, मुझे कुछ और बोलेगा, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो लोगों के बारे में मत सोचिए, आपको सीखना है मतलब सीखना, आपको इंग्लिश में बातें करना है मतलब करना है, चाहे गलत हो चाहे सही हो कोई मैटर नहीं करता, बट इंग्लिश में बोलना है। तो आप जो भी जानते हैं, जो भी आपके पास नॉलेज है इंग्लिश का, आप इंग्लिश में बोलिए। आपको बोलना पानी लाओ तो पानी लाओ, हिंदी में मत बोलिए, उसे बोलिए ब्रिंग वाटर, मेरा मदद करो, प्लीज हेल्प मी। आप जो भी बोल रहे हैं इंग्लिश में बोलिए ना, फोन दो, गिव मी द फोन। तो आप जो भी बोल रहे हैं इंग्लिश में बोलिए, क्योंकि जब आपका थॉट प्रोसेस इंग्लिश में आ जाएगा तो आपका इंग्लिश ऑटोमेटिकली फ्लुएंटली हो जाएगा, और आप ऑटोमेटिकली फ्राटेदार इंग्लिश बोल पाएंगे। क्योंकि सारा कहानी इस थॉट प्रोसेस का है, हमारे दिमाग में जो थॉट प्रोसेस वो हिंदी का है। हम लोग जब हिंदी में बातें करते तो सोचना नहीं पड़ता है, लेकिन जब इंग्लिश में बातें करते तो सोचना पड़ता है। हम लोग ट्रांसलेट करते हैं इसलिए हमें टाइम लगता है, बट वो चीज़ जिस दिन इंग्लिश में आ जाएगा तो आपको फ्राटेदार इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता। मैं पहले बहुत ट्रांसलेट करता था, मैं बाजार जा रहा हूँ, इसका इंग्लिश क्या होगा, आई एम गोइंग टू मार्केट। बट धीरे धीरे क्या होगा, मैं सोचते गया और मेरा थॉट प्रोसेस इंग्लिश में हो गया। मैं जो चीज़ हिंदी में सोच सकता हूँ इंग्लिश में भी सोच सकता हूँ, इंग्लिश में सोच सकता हूँ मतलब बोल भी सकता हूँ। तो इंग्लिश बहुत आसान है, और अपने ऊपर बिलीव रखिए, अपने ऊपर बिलीव रखिए कि येस आई कैन स्पीक इंग्लिश। ऐसा नहीं कि आप नहीं बोल सकते, अगर दुनिया में कोई इंसान है जो उस काम को किया और उस चीज़ को कर रहा है, इसका मतलब आप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा वक्त लगेगा बट होगा ज़रूर। कभी भी अपना हिम्मत मत हारिए, अपने आप पे बिलीव रखिए, ये बहुत ज़रूरी, क्योंकि विश्वास वो ताकत है जिससे पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा चीज़ आप कर सकते हैं। अगर आपके अंदर वो बिलीव है कि येस आई कैन डू इट, मैं भी फ्राटेदार इंग्लिश बोल सकते हो, बस अपने आप में बिलीव रखिए। डेली टाइम निकालिए, 2 घंटा प्रैक्टिस कीजिए। आप जो भी अपने डेली लाइफ में करते हो उसका नोट्स बनाइए, अपने जर्नल लिखिए कि आपने सुबह से लेकर रात तक क्या किया, क्योंकि जब आप लिखेंगे तब आपको सोचना पड़ेगा, तो सोचेंगे तभी तो लिखेंगे। तो धीरे धीरे आपके अंदर हैबिट्स डेवलप होगा, थॉट प्रोसेस चेंज होगा, और आप इंग्लिश में बात कर पाएंगे बहुत ही आसानी से। और हमारे साथ जुड़े रहे, हम लोग इंग्लिश से रिलेटेड और मोटिवेशनल वीडियोज डालते रहते, उन्हें वॉच करें, उन्हें ध्यान से देखें, और जो भी पॉइंट्स आपको बताया जाता है, जो भी टिप्स बताया जाता है उन्हें फॉलो करें। मैं गारंटी के साथ सकता हूं, अगर आप 6 महीने पूरे डेडिकेशन से काम कर सकते हो तो आपका जो इंग्लिश का प्रॉब्लम है वो लाइफ टाइम के लिए खत्म हो जाएगा, और आगे चल करके आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। क्योंकि मैंने इस चीज को खुद किया, 6 महीने के अंदर मैंने इंग्लिश बोलना सीखा। बहुत खतरनाक पड़ता था, पागल की तरह पड़ता था, लोग बोलते दीपक पागल हो गया, ये पढ़ते रहता है, इंग्लिश मैन आ गया, ऐसा, बट मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। बट आज देखिए, मैं आज एक इंग्लिश टीचर हूं, मैं लोगों से बात कर सकता हूं, मेरा बहुत सारे फेसबुक में फ्रेंड है जो कि फॉरेनर है, बांग्लादेश का है, दुबई का है, बहुत सारे अदर कंट्री का, बट मैं आसानी से बात कर सकता हूं। तो ये बहुत जरूरी है, इसे जरूर सीखो, और अपना पर्सनालिटी को इंप्रूव कीजिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, लोगों जो है इंस्पायर करते रहिए। ओके, सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।